तो जैसा कि आप लोगों ने 200 सुना होगा कि ये 7 बजे से पराठे बनना शुरू हो जाते हैं, आलू के पराठे, और रात को 3 बजे तक चलते हैं। यानी कि आप रात में भी अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको पेट भर के खाना खाने के लिए मिल जाएगा। और माता जी, सुबह कितने बजे खुल जाती है ये दुकान? ये खुल जाती है काफी में 9 बजे। 9 बजे खुल जाती है? हाँ, 9 बजे चालू हो जाती है रोटियाँ। दोस्तों, ये जो दुकान है वो आपकी 9 बजे खुल जाती है। यहाँ से सुबह दादी जी रोटी बनना चालू हो जाती है? अच्छा। तो सुबह जो है वो रोटी बनाई जाती है और शाम को मिलेंगे आपको पराठे, आलू के पराठे। तो यहाँ पे जितना भी खाना बनता है वो सब आप ही बनाते हो? नहीं, पराठे तो वो बनाता है, खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा। हाँ। पराठे कोई और बनाता है? पराठे और बनाते हैं। पराठे कोई और बनाता है, लेकिन जो खाना है वो दादी जी बनाती हैं, यानी कि रोटी सब्जी वगैरह। तो सब्जी वगैरह सब आप बनाते हो, है ना? तो यहाँ पे आप दादी जी चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हो, गैस का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, गैस नहीं है। अच्छा, चूल्हे पे बनाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे जो खाना है वो चूल्हे पर ही बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी को जला के चूल्हे पर ही खाना आपका बनाया जाएगा। गैस आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी कि जो अपना स्टोव वगैरह होता है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। पराठे पराठे मिलेंगे शाम को। अच्छा। गैस पे पराठे जो हैं वो आपको गैस पे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो शाम को मिलेंगे। और जो रोटी है वो चूल्हे की रोटी होगी और वो आपको दिन में देखने के लिए मिलेगी। इसका एड्रेस यहाँ का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एड्रेस ज़रूर देख लीजिएगा। और जब भी आप आगरा आते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट किया गया। अगर दिन में आते हैं तो खाना खा लेना, शाम को आते हैं तो फिर पराठे आपको खाने के लिए मिल जाएंगे।